नमस्कार, मैं शिल्पा आप सबका स्वागत करती हूँ NCERT के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। आज हम बात करने वाले हैं प्रसिद्ध हिंदी जनकवि आलोक धनवा जी की लिखी कविता पर। कविता का शीर्षक है पतंग। यह कविता बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों को बहुत ही बेहतरीन एवं सुंदर तरीके से दर्शाता है। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर संध्या सिंह जी। नमस्कार। जो कि NCERT के भाषा शिक्षा विभाग में विभाग प्रमुख एवं हिंदी प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस सुंदर कविता पतंग को संध्या मैम से। मैम, हाँ जी, हाँ बोलिए। आज सबसे पहले आप हमें बताइए, कविता की बात हो रही है सो कवि को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो अगर आप हमें आलोक धनवा जी के बारे में कुछ बता पाएँ और संक्षेप में इस कविता को समझा पाएँ। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस मायने में भी है शिल्पा कि आलोक धनवा बिल्कुल नए कवि हैं और नए इस मायने में भी हैं कि इनकी एकमात्र दुनिया रोज बनती है एकमात्र संग्रह 98 तक आया था और उस 98 के उस संग्रह में ही ये कविता, जिस कविता पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वो कविता भी उसी में संग्रहित है। इस मायने में और भी महत्वपूर्ण है कि जब ये 72-73 में करीबन ये कविताएं लिखना शुरू किया था उस दशक में इन पर काफ़ी चर्चा हुई और चर्चा इस मायने में भी हुई कि इनकी कविताएं लोगों की ज़ुबान पर चढ़ जाती थी, याद हो जाती थी। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि नई कविताएं जिस एक ऐसे दौर में लिखी जा रही हैं जहाँ ज़ुबान पर कविताएँ जल्दी नहीं चढ़ पाती हैं, लेकिन इनकी कविता ज़ुबान पर चढ़ जाती थी। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जुबान पर चढ़ रही है लेकिन विचार की दृष्टि से बड़ी सशक्त कविताएं होती थी जी। तो उसमें एक सशक्त विचार के साथ आने वाली कविताएं और जुबान पर चढ़ जाएं, ये अपने आप में विरोधाभासी बातें हैं। तो ये आलोक धनवा के यहाँ दिखाई पड़ता है। इनकी ब्रूनो की बेटियां या फिर भागी हुई लड़कियां बड़ी मशहूर कविताएं हैं। एक और महत्वपूर्ण बात इनके में है कि इनके संग्रह, तो मैंने यही बताया कि बहुत कम इन्होंने लिखा था, दुनिया रोज़ बनती है एक संग्रह आया, लेकिन जो कविताएं लिखी जैसे ब्रूनो की बेटियां या फिर भागी हुई लड़कियां, तो इन कविताओं पर इस तरह चर्चाएं हुई जैसे लगा जैसे कोई लोग कविता संग्रह पर चर्चा कर रहे हो। एक कविता अपने आप में एक कविता संग्रह की तरह देखा गया। तो इस मायने में बड़ी महत्वपूर्ण कविताएं इनकी रही और मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान पर मुझे लगता है पतंग जैसी कविता अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि शरद ऋतु को लेकर के बहुत से लोगों ने लिखा है, छायावादी कवियों ने भी लिखा है। जैसे आप चाहें तो दिखा सकती हैं कि जैसे अज्ञेय ने लिखा है, पंत ने लिखा है, शरद चांदनी बिहस उठी मौन अतल नीलिमा उदासीनी पंत की कविता है, इसी तरह अज्ञेय की भी है, आगे आप दिखा सकती हैं केदारनाथ अग्रवाल की कविता है, आप दिखा सकती हैं नेक्स्ट स्लाइड में, मुग्ध कमल की तरह पंखुरी पलके खोले, कंधों पर अलियों की व्याकुल अलके तोले, तरण ताल से दिवस शरद के पास बुलाते, मेरे सपने में रस पीने को प्यास जगाते। इसी तरह मैं आपको दूसरी कविता दिखाना चाहूँगी, अगली कविता दिखाएं आप, अज्ञेय की कविता है, सिमट गई फिर नदी सिमटने में चमक आई, गगन के बदन में फिर एक नई दमक आई, दीप कोजागरी वाले फिर आए वियोगी सच, ढोलकों से उछाह और उमंग की गमक आई जी। अब इन कविताओं को आप देखिएगा और हम जो कविता जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं उनको देखिएगा, दोनों को समानांतर रख के देखिएगा तो बहुत आपको लगेगा कि शरद को जब भी पुराने कवियों ने शरद पर बातें की हैं तो ऋतु आई है और ऋतु हम पर हावी है, ऋतु हमें, प्रकृति हमको ले चल रही है, ना कि हम प्रकृति को ले चल रहे हैं। जबकि पतंग कविता में बच्चे शासक हैं, प्रकृति के शासक हैं और प्रकृति पर शासन कर रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं बच्चे उसको ले चल रहे हैं, जिधर ले चलना चाह रहे हैं उधर ले चल रहे हैं। तो एक ये अपनी आपने महत्वपूर्ण बात है, तो इस अर्थ में एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता कि कहीं मेरी नज़र में कोई कविता ऐसी नहीं आई है जो युवाओं पर ध्यान, युवाओं को ध्यान में रखते हुए, किशोर बच्चों को ध्यान में रखते हुए शरद पर कविता कोई लिखी गई हो। तो इस दृष्टि से भी ये कविता मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है और पतंग जैसे खेल को
कविता में शामिल करना भी, और वो भी इस तरह से कि एक विचार भी आ जाए, जो जो कह सकते हैं जिसको विचार में जब बार बार कह रही हूँ तो आपका ध्यान इस ओर हम लोगों का जाना चाहिए कि अमानवीयता के विरुद्ध, क्रूरता के विरुद्ध एक तरह का मानवीय कह सकते हैं हस्ताक्षर है, मानवीय मानवीयता की पहल है यह कविता, मानवीयता की दिशा में ले जाने वाली यह कविता है, उड़ान अंधेरे के विरुद्ध उजाले की ओर ले जाने वाली यह कविता है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, वे शब्द जब इस कविता में आया है, आप पूरी कविता को अभी हम लोग पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि वे कविता जो वे शब्द आया है इस कविता में, कहीं भी पूरी कविता में कहीं भी यह नहीं आया है कि ये किसके लिए कहा जा रहा है। वे प्रोनाउन है, जाहिर है सर्वनाम है, लेकिन हम कहीं भी नहीं कहने जा रहे हैं कि ये कौन है, लेकिन अपने आप ये बात कविता से ही निकल कर आ जा रही है कि ये किशोर वय के वो बच्चे हैं जिनको कवि ने कहीं अपनी तरफ से नहीं कहा है, ये कविता की विशेषता होती है। जी, अब मैम काफ़ी सारे लयात्मक कविताएं भी हैं जिसमें मात्रा का संतुलन होता है और शायद उसको पढ़ना भी आसान होता है, लेकिन पतंग कविता एक नई कविता है, सो इसको पढ़ने का सही तरीका क्या है? शिल्पा, ऐसा है ना कि जब कविता पढ़ना कहा ऐसा जाता है, हमने भी कई बार कहा है इसी मन से शायद, और लोगों ने भी कहा है कि जब कविता पढ़ी जाती है, ठीक ढंग से पढ़ी जाती है, तो वो लगभग 50% तक समझ में आ जाती है। यानी कविता को ठीक ढंग से पढ़ना, अब जब मैं कह रही हूँ ठीक ढंग से पढ़ना, तो ये भी अपने आप में एक अमूर्त बात है, क्योंकि ठीक ढंग से पढ़ना क्या होता है, ये कैसे समझ में आएगा। कई लोग इसको लयात्मक ढंग से पढ़ने को ठीक ढंग से समझ लेते हैं, कई लोग कहते हैं कि अर्थ की लय है, लेकिन ये सारी बात समझ में नहीं आती है। जो मेरा अनुभव है, पढ़ने पढ़ाने का अनुभव है, उसके आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि जब कविता हम लोग कई बार, खासतौर से नई कविता है, जब कई बार 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 पढ़ते हैं और पढ़ने के दौरान अपने आप उसके अर्थ की सतहों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और जब कोशिश करते हैं तो अपने आप एक अर्थ कविता का लय आता चला जाता है। इसलिए किसी को भी पहले, सबसे पहली बार, चाहे वो विद्यार्थी हो चाहे वो अध्यापक हो, सभी को नई कविताओं को तो खास तौर से कई बार पढ़ने की कोशिश करना चाहिए, अलग अलग जगहों पर स्ट्रेस देते हुए कहना चाहिए, बल देते हुए, और कहाँ कॉमा, कहाँ फुल स्टॉप, और कहाँ खत्म हो रही है कविता की पंक्ति, इसको ध्यान में रखते हुए। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि दोहा, चौपाई या इस तरह की जो पुरानी रचनाओं के छंद हुआ करते थे, जिनको छंदोबद्ध कविताएं हम लोग कहते थे, तो छंदोबद्ध कविताओं में ये विशेषता है कि उसका एक छंद की अपनी लय होती है और छंद को पढ़ा जा सकता है। लेकिन इसको, हाँ, लेकिन सही जहां तक है, मैं नहीं कहती कि कोई भी आदर्श वाचन होता है, बिल्कुल भी ये गलत बात है अगर हम लोग कहते हैं ऐसा तो, लेकिन हाँ, वाचन का एक तरीका हम लोग खोज निकाल सकते हैं, ये कक्षा में विद्यार्थियों से ही पढ़ाया जा सकता है, कई विद्यार्थी अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, जरूरी नहीं कि अध्यापक का ही पढ़ा बहुत सही हो, और जरूरी नहीं है कि मैं जो यहाँ पढ़ूंगी वो बहुत सही हो, लेकिन एक अर्थ की दिशा में अगर वो ले जाता है तो महत्वपूर्ण है, हम लोग प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। सुमाम, अगर आप हमें कविता पढ़कर बता सकें, जैसा आपने बताया किसी पर्टिकुलर वर्ड में हम स्ट्रेस देते हैं, बल देते हैं, फुल स्टॉप होता है, सो उसको कैसे रीड किया जाए? जैसे मैं कोशिश करती हूँ, अब ये पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये पतंग कविता दुनिया रोज बनती है संग्रह से लिया गया है, और पतंग के तीन खंड हैं उस कविता में, लंबी कविता है ये, तीन खंड में से दो खंड तो हमने शुरू के नहीं लिए हैं, हमने तीसरा खंड आरोह भाग दो में सम्मिलित किया है। तो तीसरे खंड में इसलिए भी इसको सम्मिलित करने के पीछे एक उद्देश्य ये भी था कि इसमें बच्चों की से होने वाली गतिविधियां बहुत हैं, बहुत सारी गतिविधियां इसमें, एक्शन दिखाई पड़ता है, गति दिखाई पड़ती है, और कविता में अगर गति दिखाई पड़े तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, गत्यात्मक चित्र है जिसको आप कह सकते हैं, गत्यात्मक बिंब है, बहुत से दिखाई पड़ते हैं इसमें, तो वो लोगों को प्रभावित करता है। तो मैं कोशिश करती हूँ, एक प्रयास कि यह भी एक तरीका हो सकता है, और इसके अलग, इससे अलग बहुत से तरीके हो सकते हैं। सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके,
दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने कविता पढ़ी मैम। इस कविता को पढ़ते ही आपने महसूस किया होगा कि कई जगह पर जहाँ हमने जहाँ जहाँ और भी पर हमने, जैसे इस कविता को अगर हम बदल के पढ़ें कि सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सबसे तेज, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, तो अगर मैं इसको बदल दूँ, आंखों जैसा लाल सवेरा खरगोश की, तो कविता का वो स्ट्रेस बदल जाएगा। तो इससे समझ में आता है कि कविता जब कवि लिख रहा होता है तो किस शब्द को कहाँ होना चाहिए, वो बिल्कुल उसी संतुलन के साथ कविता को रखता है और वो उसको पढ़ने में मदद भी करता है। मेरा ख्याल इस ओर हमें ध्यान दें। अगर जैसे हमने कविता के परिचय में ही आपको बताया कि अमानवीयता के विरुद्ध खड़ी होती है कविता, क्रूरता के विरुद्ध खड़ी होती है कविता, तो अपने आप जैसे ही हम लास्ट में जब हम कह रहे हैं कि बिल्कुल जब बच जाते हैं छतों के किनारे से, तो और भी निडर होकर के आते हैं। ये बात उस पर स्ट्रेस करने की बात है, उस पर बल देने की बात है, क्योंकि उसके बगैर ये संभव नहीं है। अगर ये निडरता नहीं आती है क्रूरता के विरुद्ध, अमानवीयता के विरुद्ध या आंधी तूफान भरे जीवन के विरुद्ध, तो निश्चित रूप से ये निडरता संभव नहीं है। तो ये इस कविता की एक खास विशेषता है। जब मैम आप कविता पढ़ रही थी तो काफ़ी सारे प्रश्न मेरे अंदर आ रहे थे, तो सबसे पहले मैं प्रश्न पूछती हूँ कि जो फर्स्ट सेंटेंस है, सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, तो इसमें किस तरह के परिवर्तन की बात हो रही है? क्योंकि काफी सारे है इसमें, तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, कि इस कविता को पढ़ने का उद्देश्य क्या होगा। तो अगर हम मूल रूप से अगर देखें तो मूल रूप से मूर्त रूप जो हमारे पास है वो क्या है, मूर्त रूप सिर्फ इतना ही है कि भादो बीत गया है और अब हमारे शरद आ चुका है। ठीक है, भादो एक हिंदी का महीना है, हम सब जानते हैं। तो भादो बीत चुका है और शरद का अब समय शुरू हो चुका है, ठंड शुरू हो चुकी है, अक्टूबर का महीना समय कह सकती हैं आप उसको। तो वो एक जहाँ चमकीला, जहाँ धूल नहीं है आसमान में, आसमान की धूल साफ हो चुकी है, सारी गंदगी साफ हो चुकी है और एक तरह का उजाला दिखाई पड़ रहा है, एक चमकीलापन दिखाई पड़ रहा, धूप में चमकीलापन दिखाई पड़ रहा है। तो ये जब शुरू हुआ, इसके लिए कवि कह रहा है कि तीन तरह के इसको पुलों को पार करते हुए से तुलना करता है। ऐसा लगता है जैसे कहते हैं ना, साइकिल चलाते हुए आए वो पुलों को पार करते हुए शरद। तो ये पुल कौन से हैं? ये पुल हैं ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और बहुत से जो हेमंत ऋतु, इन ऋतुओं को पार करता हुआ शरद तक पहुंचा है। एक तो ये बात, दूसरी बात, सबसे तेज, जब सबसे मैं जब कह रही हूँ तो ये ध्यान रखिए, जब भी कवि सबसे शब्द का प्रयोग कर रहा है, कह सकता था तेज बौछारें गई, लेकिन सबसे तेज बौछारें गई, सबसे तेज, सबसे काली भादो गई, तो अंधेरा चला गया, सबसे तेज अंधेरा, सबसे गहन घना अंधेरा और सबसे तेज बौछारें, वर्षा चली गई, यानी जो कुछ भी बुरा था, जो कुछ भी आंधी तूफान भरा था जीवन में, वह गया। उसके आने के बाद एक खूबसूरत दुनिया, एक सुंदर दुनिया, बच्चों की खिलखिलाती दुनिया, खिलखिलाती दुनिया, किलकारी मारती हुई दुनिया हमारे सामने है। ये यहाँ पर कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करने की कोशिश की गई है।
जहाँ तक मैं समझ पाई मैम, शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है बिल्कुल चमकीली साइकिल के साथ। यहाँ पे एक प्रश्न लेती हूँ, गौतम भट्ट जी का प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ, कविता में मानवीकरण कहाँ कहाँ किया गया है और ऐसे वाक्यों की व्याख्या कैसे करनी चाहिए? अगर मैं कहूँ कि ये पूरी कविता ही मानवीकरण है, केवल एक नहीं है, एक आपके सामने जो मूर्त रूप है वो शरद का आना, ऋतु का बदलना, आकाश में उजाला हो जाना, सूरज की लालिमा का आना, चिड़ियों की चहचहाट का आना, ये सब कुछ आपका मूर्त रूप है जो हमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है वो है बच्चों की चहचहाट, बच्चों की किलकारियाँ और बच्चों का उछाह, बच्चों का उड़ान, बच्चों की उड़ान, बच्चों की हौसला, ये अमूर्त रूप है। अगर मैं कहूँ तो एक तरह से कहा जाए शरद को ही मानवीय रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। पूरी की पूरी कविता में शरद है और शरद को एक बालक की तरह प्रस्तुत किया गया, एक बच्चे की तरह प्रस्तुत किया गया है। वो बच्चा है और वो बच्चा कैसे आ रहा है, साइकिल चलाता हुआ, सबको बुलाता हुआ, सबको आमंत्रित करता हुआ। ये कविता आपको आमंत्रित कर रही है, उस ओर ले जा रही है कि उस ऋतु का को एहसास कर सकें आप, उस ऋतु की खूबसूरती को और ऋतु की खूबसूरती से बच्चों के जीवन को जोड़ सके, बच्चों के जीवन में जो हौसला है, बच्चों का जीवन जो हमें सारी बुराइयों और कह सकते हैं छल कपट से एक दूर ले जाता है, उस ओर हमें वो ले जा सके, ये एक कोशिश है। तो शरद ये पूरी की पूरी कविता ही मानवीकरण में लिखी गई है, एक मनुष्य की तरह, मानवीकरण एक अलंकार है और एक मनुष्य की तरह इसको देखा गया है। तो हमें इसको बताने के लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले मूर्त रूप रखें, मूर्त रूप ये दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कविता पढ़ाने के समय मैंने ये भी देखा है कि लोग कोशिश क्या करते हैं कि कई बार प्रतीक और पता नहीं किसमें ले जाते हैं, ज़रूरत इस बात की नहीं है। जो अभिधा यानी जो शब्द यहाँ व्यक्त किए गए हैं, जो मूर्त रूप यहाँ व्यक्त किया गया उसको सबसे पहले समझना चाहिए। मूर्त रूप क्या है? सबसे तेज बौछारें गई, अब भादों का महीना आ चुका है, खरगोश की आंखों जैसा सवेरा लग रहा है ये, आकाश की जो सफेदी है, आकाश की सफेदी के बीच सूरज की लालिमा, ऐसा लग रहा है जैसे खरगोश। अब ये एक बिल्कुल अद्भुत बिंब है, किसी कवि के यहाँ मैंने ऐसा प्रयोग नहीं पाया है कि खरगोश की चंचलता को, क्योंकि खरगोश का संबंध बच्चों से है, तो खरगोश की चंचलता को कहीं वह बता सके आकाश में उगते हुए सूरज के लिए, तो खरगोश की आंखों को उसने तुलना की सूरज से। तो हमारे पास मूर्त रूप है सूरज और उसके बाद कहता है खरगोश की आंखें उसके जैसी हैं, फिर ये सारा का सारा घंटी बजाते हुए मूर्त रूप क्या है, बच्चों का उछाह, बच्चे साइकिल से चले आ रहे हैं, ये मूर्त है, मूर्त बिंब है। अमूर्त बिंब क्या है कि ये पूरा का पूरा ये उछाह जो है हमें किस ओर ले जा रहा है, एक पूरी ऐसी दुनिया में ले जा रहा है जहाँ हौसला है, जहाँ मानवीय है, पक्ष है, जहाँ शांति है, जहाँ सपने हैं, जहाँ रंगीन सपने हैं, इस ओर ले जाता है। अब मैम, ये तो आपने बात की कविताओं में जो बिंब शामिल किए गए हैं, कुछ और चीज़ें मैंने नोटिस करी, कुछ विशेषण उसमें इंक्लूड किए गए हैं कविताओं में, जैसे कि सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी, तो अगर आप हमें विशेषणों के बारे में इसमें बता सकें। हाँ, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मैंने पहले भी कभी शायद ये बात कही होगी कि कविता को पढ़ाते समय, पढ़ते समय हम लोग अक्सर कोशिश करते हैं और कहते हैं कि भाषा पर बात ज़्यादा नहीं की जा सकती, लेकिन मेरा ये मानना है कि कविता पढ़ते पढ़ाते समय भाषा पर सबसे अच्छे तरीके से बात की जा सकती है। अब जैसे अब आपने जिसका जिक्र किया यहाँ पर कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। अब हमारे सामने इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि जो कागज इस्तेमाल किया जाता है पतंग में वो सबसे पतला होता है, ये मेरा ख्याल है एक रूढ़ सत्य है, इसको किसी को भी इसमें शक होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। रंगीन सपनों की तरह आकाश में जब उड़ते हैं ये पतंग, तो ये भी किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसको कहा सबसे तेज, सबसे पतली, सबसे रंगीन। जब सबसे विशेषण दे दिया, यानी यहाँ सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग किया गया है। सुपरलेटिव डिग्री जनरली आमतौर पर जब प्रयोग किया जाता है, विशेषण का सुपरलेटिव डिग्री जब भी प्रयोग किया जाता है तो अक्सर अतिशयोक्ति की ओर ले जाता है, कह सकते हैं नकारात्मक दिशा में ले जाता है। लेकिन यहाँ जब सुपरलेटिव में प्रयोग किया गया, यहाँ कहीं नकारात्मक नहीं, ये एक नया प्रयोग है कि सुपरलेटिव डिग्री को भी, विशेषण के सुपरलेटिव डिग्री को भी बिल्कुल इस तरह प्रयोग किया गया है जैसे यही इससे के अतिरिक्त कोई सच हो ही नहीं सकता। आप कोई क्या किसी को
इसमें कहीं शक हो सकता है? क्या किसी को कोई शक की गुंजाइश है कि इससे पतला कोई कागज दुनिया में होगा, या किसी को शक की गुंजाइश हो सकती है कि इससे पतली कमानी कहीं हो सकती है? एक तो ये, और दूसरी बात, ये तो विशेषण है और इस विशेषण को इस रूप में ही समझना चाहिए। एक और बात है कि इस बात से इस ओर भी ले जाने की कोशिश है कि सबसे हल्की चीज़ अगर उड़ सकती है, जो सबसे कमज़ोर मानी जाती है, सबसे पतले धागे के सहारे, बिल्कुल कमज़ोर धागे के सहारे अगर वो उड़ सकती है और ऊंचाई की उस सीमा तक जा सकती है, तो इस ओर इशारा करता है कि वो सब में वो ताकत है, वो सबके भीतर वो ताकत है कि जो सबसे कमज़ोर है, जो सबसे हल्का माना जाता है कि जिसमें वो क्षमता नहीं है, वह कहाँ पहुंच सकता है, इस ओर संकेत कर रही है कविता। और ये दूसरे एक पतले से धागे के सहारे वो बंधा रहता है, ये ध्यान रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पतंग जैसा इस मायने में कोई बेजोड़ खेल है, इस मायने में कि वो धागा, एक पतला सा धागा, और कैसे उस ऊंचाई से आपको धरती से जोड़े रहता है। हमारे हाथ में धागा और आसमान में वो पतंग, तो ये धरती से जोड़ने का, धरती और आकाश को जोड़ने का इससे खूबसूरत बिंब मेरा ख्याल हो ही नहीं सकता है। जी मैम, यहाँ पे दो और सेंटेंसेस वाक्यों का प्रयोग किया गया, जन्म से ही वह लाते हैं कपास और एक पतंगों के साथ साथ वह भी उड़ रहे हैं, तो इन तरह के वाक्यों का बच्चों के साथ क्या संबंध है? एक तो ये कि जन्म से ही लाते हैं कपास, कपास रुई है, आप सब जानते हैं कपास एक पेड़ होता है जिससे रुई निकलती है, तो कपास लाना, कपास का मतलब रुई, हल्का, और रुई से हल्की कोई चीज़ नहीं हो सकती है। तो जो हल्कापन है बच्चों के जीवन का, जो हल्कापन मतलब है कि जिनमें कोई छल नहीं जी। हम भारी कब होते हैं? जब बहुत से विचार अपने अंदर समा लेते हैं, बहुत से लोगों के बारे में अच्छा और बुरा सोच रहे होते हैं, बहुत से अतीत और भविष्य के बारे में सोच रहे होते हैं, न जाने कितनी ही चीज़ों को हम अपने भीतर भरे रहते हैं, तब हमारा एक भारीपन कह सकते हैं कि आ जाता है। और हम लोग, लेकिन जब हम प्रेजेंट में, वर्तमान में जी रहे होते हैं, इन सब से अलग, मुक्त होकर के, बिल्कुल अलग, तो बिल्कुल हल्के होते हैं। और जब बिल्कुल हल्के होते हैं तो मेरा ख्याल है कि दुनिया की किसी भी सीढ़ी पर चढ़ने का हौसला हमारे पास होता है। ये बच्चों के संदर्भ में इसलिए मैंने, उन्होंने दुनियादारी नहीं देखी है, वो अभी शुरुआत, अभी जैसा ही, जैसे पैदाइश हुई बच्चों की, उनकी दुनिया एक बिल्कुल बिना छल कपट के और बिल्कुल प्रेम से भरी हुई दुनिया कह सकते हैं, खिलकारियों से भरी हुई दुनिया, खुशियों से भरी हुई दुनिया, सपनों से भरी हुई दुनिया, उड़ान से भरी हुई दुनिया, उछाह से भरी हुई दुनिया जब उनकी होती है, तो उस उनके लिए भारीपन या उनके लिए विचारों का, उनके लिए छल कपट का, उनके लिए किसी अपने पराये का इस तरह का कोई भी भेद नहीं रह जाता है। न तो राज्य का अंतर, न देश का अंतर, न जाति का अंतर, न व्यक्ति का अंतर, और सभी अपने होते हैं। तो वो हल्कापन, ये हल्कापन है कि बिना किसी गंभीरता के एक कोमलता जिनके भीतर होती है, और इसीलिए कपास से उसकी तुलना की गई है जी। और दूसरी बात, आपने संभवतः ये कही थी कि छतों को भी नरम बनाते, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, और यहाँ स्पर्श बिंब है। इस कविता में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि दृश्य बिंब, ध्वनि बिंब और स्पर्श बिंब, तीनों साथ आए, आप चाहें तो बिंबों वाला वो दिखा भी सकते हैं कि दृश्य बिंब, ध्वनि बिंब, और क्योंकि अधिकांश कविताएं छायावाद की, जितनी कविताएं आप पढ़ेंगी, अभी जो हमने शरद ऋतु संबंधी कविताएं पढ़ी थी, उसमें आपने दृश्य बिंब देखे, उसमें दृश्य बिंब का जिक्र किया, लेकिन ध्वनि बिंब नहीं है अधिकांश। एक जगह अज्ञेय ने कोशिश की है, जहाँ कह रहे हैं मृदंग की तरह बजाने की बात, वहाँ उन्होंने भी कही है, लेकिन यहाँ देखिए जब वो कहता है जब बौछारें गई सबसे तेज, भादो चला गया तो सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा सवेरा हुआ, और फिर क्या हुआ, अपनी नई चमकीली साइकिल बजाते हुए, ये ध्यान रखिए साइकिल की आवाज का होना ये ध्वनि बिंब की ओर ले जाता। और यही नहीं, फिर अंत में ये भी उसी में आगे कहते हैं कि किलकारियों की शुरू हो सके, सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो ये सीटियों, किलकारियों क्या है, ये 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 ध्वनियाँ क्या हैं, आपको ध्यान होना चाहिए, हम बच्चों को जरूर इस पर ध्यान जाना चाहिए कि शरद ऋतु में दुनिया के कई देशों से हमारे देश में पक्षी आते हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, और उन पक्षियों की चहचहाट, उन पक्षियों की आवाज़ शरद ऋतु में ही सुनाई पड़ती है, वो विशेष आवाज़, वो विशेष किलकारियाँ, उस ओर भी इशारा कर रहा है
कि ये वो ऋतु है जिस समय दुनिया के बहुत से मेहमान पक्षी हमारे यहाँ आए हुए हैं और जिनकी किलकारियाँ, जिनकी आवाज़ें, जिनकी ध्वनियाँ हमें सुनाई पड़ रही हैं। तो इस ओर वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है। तो ये सारा का सारा हमें एक नई दुनिया में, एक बिंबों की नई दुनिया में, जहाँ ध्वनि बिंब भी हैं, जहाँ दृश्य बिंब भी हैं, जहाँ स्पर्श बिंब भी हैं। स्पर्श बिंब इस मायने में कि छतों को नरम बनाते हुए, अब छतों को नरम बनाना, क्योंकि बच्चे जब दौड़ रहे होते हैं तो उन्हें बिल्कुल, उनके लिए छत नरम गद्दे की तरह हो जाता है। और एक छत से दूसरे छत कूदना, ये सबने ये दृश्य देखे होंगे। दिल्ली की जो गलियां हैं, गांव, छोटे छोटे कस्बे होते हैं, उनमें छोटे छोटे छोटी छोटी छतें होती हैं और एक छत से दूसरे छत की दूरी भी ज़्यादा नहीं होती है। तो वो एक दूसरे से छत पर कूदते हुए चले जाते हैं और बिल्कुल निडर होकर के, तो वो गद्दे की तरह ऐसा लगता है कि वो उनके लिए गद्दा बन गया हो, वो उनके लिए नरम बन गया हो। तो छतों को नरम बनाते हुए, उनके लिए कोई कठिन चीज़, कोई कठोर चीज़ उनके लिए उनकी दुनिया में महत्व नहीं रखती है, हर कठोर चीज़ उनके लिए नरम है। जी, इसी से जुड़ा हुआ मैम मेरा ये प्रश्न है, अगर हम स्क्रीन पर भी देख पाए, ऐसे ही कुछ वाक्य हैं कविताओं में, तो इन वाक्यों का क्या आशय है और इसके क्या मायने हैं? ये महत्वपूर्ण बात है, खासतौर से किशोर बच्चों के लिए। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते। पहली दो लाइनों पर हमने शायद थोड़ी सी बात कर ली है, लेकिन फिर मैं आपको बता देती हूँ कि नरम बनाना छतों को, जाहिर है कि वो उनके लिए कठोरता, उनके लिए छतों की कह सकते हैं कठोर होना उनके लिए मायने नहीं रखता है, और वो उस छत को बाकायदा एक मुलायम समझ करके चलते चले जाते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा विशेष वो नहीं है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अंत में आप देखेंगी इस कविता में एक जगह पर आता है कि धरती भी घूमती हुई उनके पैरों के नीचे आ जाती है। जब वो घूम रहे हैं, जब वो खुद दौड़ रहे हैं, जब वो खुद कह सकते हैं उड़ान भर रहे हैं, उत्साह और उछाह से आसमान की ऊंचाइयां छू लेना चाहते हैं, तो धरती भी उनका साथ देती है, धरती भी उनके पैरों के नीचे यूं आ जाती है। और दूसरी पंक्ति जो आप दिखा रही थी, उस पर अगर हम बात करें, उसी पेज पर चले जाएं, उसी पृष्ठ पर, तो दूसरे में कहते हैं, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारा जो बड़े लोगों की जो दुनिया है, हम जैसे लोगों की दुनिया है, जो बड़े लोगों की दुनिया है, वो आमतौर से बच्चों के इस मनोविज्ञान को समझ नहीं पाते। जो बच्चों के मनोविज्ञान को नहीं समझता, वो इस कविता को कह सकते हैं अप्रिशिएट नहीं कर सकता, इस कविता को समझ नहीं सकता। बच्चों का मनोविज्ञान इस ओर ही ले जाता है कि वो जब किसी कठिनाई में कहीं उनको कोई तकलीफ हो जाती है, कहीं वो कह सकते हैं गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, हमारे यहाँ कहा जाता है, तो जो घोड़े पर चढ़ेगा नहीं वो गिरेगा नहीं। बच्चे इसको भली भांति जानते हैं, हम तो सिर्फ कहते हैं, लेकिन बच्चे इसको भली भांति जानते हैं। और वो जब गिर गए बाबाई किसी कारण से, कहीं उनको चोट आ गई, कुछ हो गया, तो और भी ज़्यादा ये चुनौती उनके लिए उनको हार की ओर नहीं ले जाती है, ये चुनौती उनको निराशा की ओर नहीं ले जाती है, बल्कि ये और भी ज़्यादा उनको ताकतवर बनाती है, और भी ज़्यादा आगे बढ़ने का हौसला देती है कि अब नए सिरे से हमें काम करना है, और इस नए सिरे से हमारी उस पतली सी धागे को पकड़ना है, हमारा बैलेंस, हमारा संतुलन और बेहतर बनाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारा अगर बैलेंस ठीक नहीं हुआ, हमारा संतुलन ठीक नहीं हुआ, तो हम आसमान को नहीं छू सकते। ये संतुलन केवल हमारे उस क्षण के संतुलन की बात नहीं कभी कर रहा है, बल्कि पूरे जीवन के संतुलन की बात कर रहा है। हमें अपने जीवन में हर चीज का संतुलन करना, संतुलन बनाना, ये बहुत जरूरी चीज है। इस ओर कहीं ना कहीं इशारा किया जा रहा है। जी मैम, दो शब्दों का अर्थ जानना चाहूंगी। यहाँ पर है, जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं, तो पैंग शब्द का क्या अर्थ है? इसको देखिए, जब पेंग बनना, हम लोग जब झूला झूल रहे होते हैं, तब ऊंचाइयों को छूने के लिए, जब जैसे ही झूला हमारा आगे की ओर जाता है, पेंग मारना कहते हैं उसको। आपने सुना होगा और आपने खुद झूलते हुए भी महसूस ये किया भी होगा। तो जब हमारी ऊंचाई की हमारा पांव जाता है झूला झूलते हुए, तो उसको पेंग भरना कहते हैं। तो पेंग भरना मतलब ऊंचाई की ओर जाना, उछाव की ओर जाना, उड़ान की ओर जाना, और उस ऊंचाई को छू लेने की कोशिश करना, ये पेंग भरने की बात है। और इसकी तुलना जो की है इन्होंने, ऐसे किया है कि
पेड़ की डाल की तरह, मेरा ख्याल ये किया गया लचीले पेड़ की डाल की तरह। तो जब एक जब झूले का बिंब जब भी हमारे हमारे चित्र कोई हमारे सामने खड़ा होता है तो क्या खड़ा होता है, पेड़ों में पड़ी हुई रस्सियां पेड़ों में और वो झूला झूलती हुई बच्चे, यही हमारे सामने दृश्य आता है और कोई दूसरा दृश्य नहीं आता। इसलिए बिल्कुल सहज ढंग से पेड़ का लचीलापन, तने का लचीलापन और ये पेइंग को एक साथ कवि ने यहाँ पर रख दिया। हम कार्यक्रम के अंत की तरफ आने वाले हैं, लेकिन एक और शब्द पूछना चाहूँगी मैम, सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। ये महत्वपूर्ण बात इस है, बहुत अच्छी बात है ये आपने पूछा, क्योंकि ये ज़रूरी है कि कोई और नहीं, जिसको अगर बुद्ध ने कहा है अप दीपो भव, अपना दीपक अपने हाथ में लेके चलो, कोई और नहीं है, सिर्फ तुम्हें संकेत करेगा कोई। तो ये बच्चों का अपना संतुलन और अपनी संगीत की दुनिया, या यूँ कह सकते हैं कि अपने जीवन में संतुलन लाना उनके बगैर संभव नहीं है। और ये अगर हम मूर्त रूप में देखें तो ये फैक्ट भी है, जब वो चला रहे हो, जब उड़ा रहे होते हैं पतंग, तो उस समय कोई और नहीं उनको सहारा दे सकता, केवल उन्हीं का संतुलन उनके पतंग को बचा सकता है और केवल उस ऊँचाई तक पहुँचने में वही मदद कर सकता है, कोई और नहीं। तो मूर्त रूप ये है, लेकिन अमूर्त ये भी है कि बच्चों को अप दीपो भव, अपना दीपक खुद होना है, अपना रास्ता खुद बनाना है, अपना रास्ता खुद तय करना है। जी, तो आज हमने बात करी आलोक धनवा जी की लिखी कविता पतंग पर, और हमने समझा संध्या जी से कि उनके विचार सशक्त हैं और साथ ही उनकी भाषा काफ़ी सरल है, और इसको सुंदर तरीके से समझाने के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कल हम बात करेंगे समग्र शिक्षा पर, तो अगर उससे जुड़े हुए आपके कुछ प्रश्न हो, कुछ सुझाव हो, तो आप हमसे हमारे टोल फ्री नंबर या ईमेल आईडी के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप अपनी एक सेल्फी वीडियो जिसकी अवधि 30 सेकंड से कम हो उसके द्वारा अपने प्रश्न हम तक पहुँचा सकते हैं। उसको भेजने के लिए आप हमारी ईमेल आईडी ciet.kishormanch@gmail.com पर उसको भेज सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ, तब तक देखते रहिए किशोर मंच।